हमारे ही परिवार का नाम लेकर के एक सदस्य उसको बदनाम करने का काम करता है। मुझे लगता है कि ये बात सरासर निंदनीय है और इसका तुरंत प्रभाव से जो भी कार्य पार्टी के अनुशासन समिति के माध्यम से हो सकता है उसको करवा देना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अपनी बात मंच पे रखे, संगठन में रखे। मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, ना उसे मिलना, कोई बातचीत करनी, ना उसे समय देना। आज ही सारे शासन करें और आज उसको बर्खास्त करें पार्टी से। जो पार्टी का कार्यकर्ता, जो पार्टी के अगेंस्ट काम करता है, जो पार्टी के विरुद्ध काम करता है, जो पार्टी दुश्मन है, वो समझ लो हमारा दुश्मन है। इसमें बगावत करी है, अब नई बात नहीं है, मतलब तो आप विरोध करेंगे। इसका तो हमेशा से ये रहे, मतलब पार्टी के बिना बगावत करना और करना अपने आप को, मतलब बीजेपी नेता कोड़ा मार सकते हो, दल दल के काल। हम सभी दल के अध्यक्ष जी को अभी तो 5-7 दिन तो चलो रुको, एक बार साथ देखे उन्होंने जाना है। 5-7 दिन के बाद में टाइम दीजिए, चलो पटना दे, चंडीगढ़ का दे, चाहे दिल्ली का दे, कि ये लोग हैं, ये गर्मी फैला रहे हैं, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इन्हें खिलाफ कार्रवाई करो। जो भी संज्ञान लेगा मैं उसका फैसले का स्वागत करूंगा। एक आदमी खराब करे उसको देखे दूसरा आदमी खराब होगा, उसके पीछे तीसरा आदमी खराब होगा, उसके साथ खराब होगा, कोई अंदर से खराब होगा, कोई बाहर से खराब होगा, कोई ऊपर से खराब होगा। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता, मौका हर आदमी को मिलता, बार बार सुधरने का मौका मिलता है। यही विधायक की बात, जो विधायक जी जितना शहर के अंदर काम कर रहे हैं, अब तो पूरे हलके के अंदर काम कर रहे हैं, और इससे ज्यादा और कौन सा विधायक आएगा जो काम करेगा, और जो उसके ऊपर आवाज उठाने लग रहा है या उसके ऊपर कोई उसके खिलाफ बोलने लग रहा है तो उसको वो गलत है। अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करने वाले बीजेपी नेता राजेश ठकराल के खिलाफ अब उनकी पार्टी के तमाम नेता लामबंद हो गए हैं। आज हांसी के ली ग्रैंड में एक बैठक कर बीजेपी नेताओं ने राजेश ठकराल को पार्टी से एक्सपेल करने की मांग कर डाली। आपको याद होगा पिछले काफ़ी दिनों से बीजेपी नेता राजेश ठकराल हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भ्याना और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे हैं, और इसी करवाट के बीच आज बीजेपी के मंडल अध्यक्ष धर्मवीर तेरिया की अध्यक्षता में हांसी के ली ग्रैंड होटल में एक बैठक की गई। इस बैठक में बाकायदा बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और उन्होंने एक सुर में हाथ उठाकर ये फैसला लिया कि वो एक एजेंडा यहाँ से पारित करेंगे और इसे पार्टी हाईकमान के पास भेजेंगे, जिसमें ये मांग की गई है कि राजेश ठकराल को तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया जाए। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग बातें कही, अपने विचार रखे। कई नेताओं ने यह भी कहा कि राजेश ठकराल पहले भी पूर्व में मंत्री रहे छत्रपाल की चुनाव के दौरान खिलाफत कर चुका है, और कईयों ने यह कहा कि पहल तो करनी ही होगी, आज नहीं तो कल। हालांकि कईयों का राजेश ठकराल के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी रहा, उन्होंने कहा कि उन्हें समय दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि समय का कोई मतलब नहीं है, पार्टी को चाहिए कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बाहर करे ताकि दूसरों को नसीहत मिल सके। इसी बैठक में बीजेपी के पूर्व मंडल प्रधान और निगरानी समिति के चेयरमैन प्रवीण बंसल, बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नेता अशोक कनौजिया, जगदीश भाटिया, नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी, नगर पार्षद अशोक ढालिया और काफ़ी संख्या में दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में राजेश ठकराल की जमकर मुखालफत की गई, उनको कोसा गया और ये कहा गया कि उनकी तमाम गतिविधियां पार्टी के खिलाफ हैं, पार्टी को इससे नुकसान पहुंच रहा है और पार्टी को भी चाहिए कि इसे अनदेखा ना करे और जल्द उन पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। एक दिन पहले ही जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हांसी पहुंचे थे, तब उनसे भी ये सवाल किया गया था कि पार्टी के भीतर बगावत करने वाले नेताओं को पार्टी किस तरह से लेगी, और इस पर धनखड़ ने भी यही कहा था कि शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये होगा कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की बात को कितना सिरे चढ़ाती है या कितना सीरियसली लेती है। आइए आपको सुनाते हैं इस बैठक में किसने क्या क्या कहा। सम्मानित मंडल अध्यक्ष जी, प्रति सम्मानित सदन, आज की बैठक का जो विषय अध्यक्ष जी ने रखा था उसकी कामना में आज का संबोधन के दौरान जो विषय बना उसी की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे से पूर्व मेरे से सभी वरिष्ठ साथी इन्होंने आपके सामने में जो विचार रखे कि भारतीय जनता पार्टी जो कि दुनिया में आज सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको विचारों को सब दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, जिसके नेतृत्व का सारी दुनिया पालन करती है, जिसके उदाहरण पूरी दुनिया में जिसकी राजनीति के दिए जाते हैं, उसमें परिवार में
हमारे ही परिवार का नाम लेकर के एक सदस्य उसको बदनाम करने का काम करता है, मुझे लगता है कि ये बात सरासर निंदनीय है और इसका तुरंत प्रभाव से जो भी कार्य पार्टी के अनुशासन समिति के माध्यम से हो सकता है उसको करवा देना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं तीनों मंडल अध्यक्ष से, और मैं भी अपने दायित्व को कम नहीं समझता कि कुछ दिन पूर्व हम तीनों भी यहां बैठे हैं पूरा मंडल अध्यक्ष, मैं उस नाते भी आपसे अनुमोदन करता हूं कि इस सारी बात को अनुशासन समिति प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से अनुशासन समिति को भेजना चाहिए और जिस भी प्रकार की कार्यवाही जिस भी प्रकार की पालना इस काम में बनती है सख्त से सख्त जो हो सकती है वो करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो जयकारा का है, आज का समय जो है देश की जनता का काम करने का है। आपने विषय लिया था देश की जनता की सेवा करने का, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केवल एक अदना सा कार्यकर्ता जो अपने आप को मुझे पार्टी पॉलिटिक्स करते हुए 20 वर्ष हो गए हैं, मैंने 20 वर्ष में आज तक उसको पार्टी का कोई काम करते हुए नहीं देखा, किसी चुनाव में उसको कैंडिडेट का समर्थन करते हुए नहीं देखा। हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बता रहे थे हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, हमें सुबह से लेकर शाम तक केवल नमस्ते नहीं करनी है, हमें सुबह से लेकर शाम तक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को तो राजनीतिक फायदा हो सकता है केवल उसकी बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ कार्यकर्ता यहां अपने पर्सनल एजेंडे चलाए हुए हैं। राजा ठकरा जिसका नाम प्रमुखता से इस बैठक के अंदर आया है, उन्होंने पार्टी की जो जिसे हम मां कहते हैं उस पर दाग लगाने का काम वो एक बार नहीं बार बार माननीय विधायक जी के माध्यम से करता रहता है। विधायक से क्या बहाना है, उसके मन में टीस है, उसके मन में दर्द है, वो इस क्षेत्र का विधायक बनना चाहता है और जनता ने इसको नकार दिया, पार्टी ने यह बात समझकर उसको नकार करके घर बिठा दिया। ये केवल विधायक जी का मामला नहीं है, विधायक केवल सिंबोलिक है, ऐसे विधायक जो हमें मिले हैं हमारा गर्व है कि हमने जब से राजनीति शुरू की हमें विधायक नहीं मिला था, हम इसी बात से गर्व महसूस करते हैं कि आज इस क्षेत्र का विधायक भारतीय जनता पार्टी का कामों का खुला अपने हाथ में दिया। अगर उस समय के पूर्व के निशान को लेकर के अगर किसी को आपत्ति है तो जैसे कि बैंक मंजू जी ने कहा पहले तो अपने कमल का फूल को अपने आप छोड़ देना चाहिए, और अगर वो कमल का फूल का नाम लेकर के बदनाम करने का काम करता है तो हम सारे कार्यकर्ता को उसके हाथ से कमल का फूल छीन करके उसको उस कमल के फूल से भी निष्कासित कर देना चाहिए। जब भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं जब भी किसी पत्रकार से सामना होता है बड़े शर्म की बात की जब प्रमुख जी ने कल कहा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे जगदीश भाटिया जी ने भी कराया अशोक डाले जी ने भी कराया, वो प्रदेश के विकास की बात कर रहे थे, वो बड़ौदा उपचुनाव की बात कर रहे थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है मीडिया के आ जाते हैं उन्हें तो घूमता हुआ मुद्दा चाहिए, उन्होंने उसी मुद्दे को उठाया, वो मुद्दा वो जब भी उठा पाए ना जब उन्होंने ऊपर बात रखी थी, अगर वो सारी बातें सही होती हमारा तो विपक्ष 100 बार कहे विपक्ष का सामना करने के लिए तैयार है। माननीय मोदी जी ने कहा है विपक्ष जो आलोचना के पत्थर हमारे ऊपर डालता है मैं उससे सफलता की सीढ़ियां बनाता हूं, लेकिन जब हमारे घर का कोई व्यक्ति हमारे ऊपर आवाज उठाता है तो हमें जवाब देने में संकोच होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से तीनों अध्यक्ष बैठे हैं दोनों मेरे साथी पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं मैं निवेदन करता हूं कि हम सब अपने पूर्व क्योंकि हमारे कार्यकाल में काम हुए आपके कार्यकाल में आप देख रहे हो हम 6 के 6 लोग आज इस हाउस का समर्थन प्राप्त करें और एक पत्र प्रदेश नेतृत्व को जिला अध्यक्ष के माध्यम से भेजे कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारा एक कार्यकर्ता गलत तरीके से चला रहा है, इसका तुरंत प्रभाव से इसके आशय कमल का फूल छीनने का काम करे ताकि हमारी पार्टी को बदनाम ना कर सके। अगर आप सब सहमत हैं तो मेरी बात को आगे बढ़ाने का जैसे भी अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करें आगे बढ़ाए और कोई ही शब्द में कोई चूक हो कोई चूक हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरे मन की जो भावनाएं थी वो आप सबके सामने में है और मैं समझता हूँ कि सदन की भी ये भावना है आप सबने मेरी बात को ध्यान और चुनाव हुआ जी हम सारे लोग इकट्ठे थे सभी काफी लोग हमारे बीच में 10-12 दावेदार थे बीजेपी में टिकट के दावेदार थे। अक्सर ये बातें चलती थी कोई जिसको पार्टी एक अपना नुमाइंदा चुने उसको अपने तरीके से अपनी जितनी मेहनत जिसके पास हो उसको हमने विधानसभा में भेजना ताकि हमारे मुख्यमंत्री का जो 75 पार का नारा है वो कामयाब हो। लेकिन जिस पार्टी की छवि हमारी नजरों में थी कि पूरी की पूरी पार्टी संगठित है भाजपा के अंदर कोई बात विरोध नहीं है जिस दिन टिकट का बंटवारा हुआ टिकट के लेने वाले इस मंच पे एक भी नहीं मिला इस सारे कार्यकर्ता मिले कनौजिया जी प्रेम जी कतेरिया जी बंसल जी भाटिया ये मिले टिकट का दावेदार जो टिकट लेने वाला था कोई नहीं मिला। और अकेले विधानसभा में पहुंचने की जहां बात होती
कोई कहता नहीं मेरे को टिकट मिले, कोई कहता मेरे को टिकट मिले। अगर इस बार जो कंपटीशन हासी विधानसभा का था, विनोद भैणा कैंडिडेट नहीं होता तो उसके अलावा इस पार्टी का कोई नुमाइंदा विधानसभा में नहीं पहुंच सकता। अपने मन में आप पढ़े कितना खुश हो, इनकी एक वर्किंग थी, गांव लेवल पर वर्किंग थी, वार्ड लेवल पर वर्किंग थी, इनके अपने साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, इनका एक बहुत बड़ा फील्ड था। इस माहौल में उन्होंने सीट को अच्छे मार्कों से निकालने का काम किया। और जो वरिष्ठ नेता जो विधानसभा में रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं और पार्टी के बहुत बड़े अपने आप को पदों पर रहने वाले नेता भी कहने वाले भी रहे हैं, घर बैठ जाते कोई बात नहीं, उन लोगों ने तो सरेआम बाजार के अंदर ताले की चाबी दिखाने का काम किया। तो हमें सभी ने इकट्ठे होकर, अगर हमारा विधायक कंप्लेंट करता है मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, तो वो एक व्यक्तिगत कंप्लेंट होगी कि ये विनोद बहना जी विधायक बन गए, ये इनके विरोधी जी, किस लिए कंप्लेंट है। वो कंप्लेंट हमारा संगठन करता है, बहना जी को अलग छोड़ दो, वो हमारा संगठन करता है, उस व्यक्ति के खिलाफ सरासर एकदम मतलब फटाफट कार्रवाई होगी, ये बताओ के साथ। ये जिस दिन से अखबारों में ये है वो आरोप प्रत्यारोप झूठे साथे फलाना धिगड़ा, हर आदमी को अपने तरीके से व्यापार करता है, उसको इलीगल तरीके से पेश करना, अखबारों में जाना, यहाँ कोई सुनता नहीं, मेरी यहाँ कोई सुनने नहीं चाहता कि मंच पर चले जाऊंगा, और कोई भाई प्रेस वाला बैठे हो नाराज भी हो जाएगा। आजकल ये चैनल बहुत है, हर आदमी नेशनल लेवल का चैनल बढ़ रहे हैं। हाँ भाई साहब आपके अटेंडेंस हो गए, देखिए बोली बोल देखिए क्यों बोले, अब दो मिनट में वो यूट्यूब खोल पर। तो मतलब जो व्यक्ति पार्टी के संगठन के खिलाफ बोलता है काम करता है, हमारे पार्टी के नए अध्यक्ष धनखड़ जी बने हैं, तो तीनों मंडला अध्यक्ष हमारे बीच में है, एक ऐसा रेजोल्यूशन तैयार करें। और चाहे हमें एक नहीं बीच नहीं, पूर्व मंडला अध्यक्ष हैं, किसी बोर्ड का चेयरमैन, निगम का चेयरमैन, जिले में हमारा पदाधिकारी है, स्टेट में हमारा पदाधिकारी, सारे मिलकर 15 आदमी 20 आदमी की कमेटी तैयार करो, कमेटी तैयार करके हम कहेंगे अध्यक्ष जी या बीजेपी बैठी, हम पुराने कार्यकर्ता हम पार्टी के साथ चलते हैं, हमने आपके एक सीट लेके विधानसभा में भेजी, और ये लोग जो है पार्टी की छवि खराब करते हैं, इनके खिलाफ एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई करके दिखाओ, उन लोगों को निकाल दोगे आपकी पार्टी की गंदगी निकल जाएगी, उन लोगों को अंदर रखोगे तो हौसला और बढ़ता है, अधिकारी भी सोचते हैं ये पार्टी में कुछ नहीं है, सरेआम विधायक के खिलाफ बोलते हैं, सरेआम किसी के खिलाफ बोलते हैं, और जो हमारे लोकल आसिम हल्के की जहाँ बात करते हैं, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, चाहे उनमें एस डी एम साहब हैं, चाहे एस पी साहब हैं, चाहे डी एस पी हैं, तहसीलदार हैं, अगर हम विधायक के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, मैं बोलता हूँ पार्टी के खिलाफ, मैं विधायक के खिलाफ बोलता हूँ, और मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो अक्सर भी सोचते हैं इस पार्टी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो राजपाल यादव ही क्यों ना हो। मेरा निवेदन है मटेरिया जी कि ऐसा एक मेमोरेंडम हम तैयार करें, पार्टी के आपके कार्रवाई रजिस्टर में उसका इंतजार करें, और हम सभी चलते हैं अध्यक्ष जी को, अभी तो 5-7 दिन तो चलो रुको, एक बार सात दिन इन्होंने जाना है, 5-7 दिन के बाद में टाइम लीजिए, चाहे रोक पटना दें, चंडीगढ़ का दें, चाहे दिल्ली का दें, कि ये लोग हैं ये गंदगी फैला रहे हैं, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इन्हें खिलाफ कार्रवाई करो, उनको मेरी जगह ऊंट की जगह मैं हूँ, कोई भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए, ए बी सी कोई भी हो। ये मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सब संगठित रहें, और जो आदमी पार्टी के हमारे चुने हुए नुमाइंदे के खिलाफ करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठा के उसको पार्टी से बाहर निकलवाने का काम करें। धन्यवाद। और बड़ी पीड़ा हमारे को होती थी कि आज जैसे हमारे कनौजिया जी ने बड़े विस्तार से सारी बातें रखी कि आज बड़ा सुनहरी समय हमारी भारतीय जनता पार्टी का और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का चल रहा है कि देश में भी सरकार है, मोदी 2 कार्यकाल उनका चल रहा है और प्रदेश में भी मनोहर 2 का राज चल रहा है और बहुत ज्यादा विभिन्न प्रांतों में हमारी सरकारें चल रही है, दुनिया में हमारा डंका चल रहा है और हमारे हाथी के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर कुछ हमारी
काली भेड़े, जिनको मैं काली भेड़े कहूंगा, जो पार्टी के विरुद्ध काम कर रही हैं। और लेकिन जब हम बात करें कि दर्द किस बात का है, कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा नहीं, और उसको बेवजह इतनी बड़ी बात बनाया जाता है कि अगर आपकी किसी से कोई निजी कोई दुश्मनी है, निजी कोई आपका विवाद है, तो आप उसको, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासन समिति है और बताया, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रदेश महामंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप उनसे चिट्ठी लिखिए, आप उनसे पत्राचार करिए। लेकिन ऐसा नहीं, एक आधे मीडिया वाले को उठा लेते हैं और उनके आगे बयानबाजी करवाते हैं, उनके परिवार पर छींटाकशी करते हैं, विधायक पर छींटाकशी करते हैं। आज विधायक श्री विनोद भ्याणा जी, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो हमारे नेता हैं। आज अगर उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है तो हम अपनी उंगली को पीछे नहीं कर सकते। साथियों, मैं पार्टी का संस्कारित सिपाही हूं। मैं एक छोटी सी बात का उदाहरण देते हुए अपनी बात का समापन करूंगा, क्योंकि हमें अपनी पार्टी का ध्यान रखते हुए, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए, हमें अपने प्रशासन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि प्रशासन जिसकी सरकार होती है, प्रशासन उसी का होता है। साथियों, पिछले दिनों हांसी के बड़े ही वरिष्ठ हमारे प्रशासक से मेरा कुछ पर्सनल विवाद हो गया, और वो विवाद मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। मैं किसी तरह से कसूर में भी नहीं था, लेकिन मैंने अपनी बात कन्होजिया जी के आगे रखी। मेरा तरीका देखिया, एक संस्कारित आदमी का तरीका क्या होता है। हालांकि मेरी पार्टी का मामला नहीं था, लेकिन प्रशासन का मामला था, और प्रशासन किसका होता है? प्रशासन जिसकी सरकार होती है, प्रशासन उसका होता है। मैंने कन्होजिया जी के आगे बात रखी, कन्होजिया जी और मैं विधायक जी के पास गए। विधायक जी ने मेरी बात को सुना, बोले जी शाम को आप उस अधिकारी को बुलाते हैं और उससे बात करेंगे। उस अधिकारी को बुलाया गया, कन्होजिया जी, मैं और मेरा भाई, हम साथ थे। हमने अपनी पीड़ा रखी, उन्होंने सॉरी फील करी, उन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, इस दौरान मेरे पास ये वाक्या 1:30 बजे का है और हमारी बात हुई शाम को 7 बजे। 5 घंटे के अंदर मेरे पास 10 पत्रकारों के फोन आए, ढालिया जी आपके साथ क्या हो गया, इस अधिकारी ने आपके साथ क्या किया। मगर कोई वाक्या नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। बोले जी हमारे पास बहुत कुछ है। मगर हमारी कोई किसी से बात नहीं हुई, ना कोई ऐसा मामला। और हालांकि मैं, मेरी पार्टी के प्रति मेरा प्रेम नहीं होता, तो मैं उस समय अपने बयान जारी करके मैं प्रशासन की बुराई कर सकता था, क्योंकि प्रशासन की बुराई वो मेरी बुराई है। वो पूछते सरकार आपकी है, अधिकारी आपके हैं। तो साथियों, हमें इतनी सुरक्षित तरीके से अपनी पार्टी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं तो आज हमारे सम्मानित तीनों मंडलों के अध्यक्ष बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी हांसी की पूरी टीम यहां पर बैठी है। मैं आज अपनी तरफ से ये विचार और ये अपना सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी काली भेड़े हैं जो पार्टी के खिलाफ काम करती है, जो पार्टी अपना परिवार है, जो अपने परिवार के खिलाफ काम करती है, ऐसे आदमी को तुरंत निष्कासित किया जाए और उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि भविष्य के अंदर कोई भी आदमी हमारी पार्टी के ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप ना लगा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे पास ऐसा अवसर आता है जो हम कहते हैं कि अब विवाह का अवसर, और वो विवाह का अवसर हमारे लिए चुनाव का समय होता है। चुनाव के समय जो हमारा सहयोगी रहता है, वास्तव में वही हमारे परिवार का सदस्य होता है। जो विवाह के समय सहयोग नहीं करता, वो हमारे परिवार का सदस्य हो ही नहीं सकता। पार्टी का पटका पहन करके और पार्टी के विरुद्ध आप बात करें, तो आपको उस परिवार का सदस्य होने पर अधिकार है। परिवार का पटका उतार करके आम नागरिक की तरह आप बात करते हैं, बिना पार्टी की भाषा यूज किए, बिना पार्टी के पद यूज किए और बिना पार्टी के
डेजिग्नेशन के, उसकी बिना छत्र छायादी आप कुछ भी किसी के खिलाफ बोले तो समझ में आता है कि आम नागरिक का अधिकार है, वो बोल सकता है। लेकिन यदि आपकी पहचान पार्टी से है और आप उस पार्टी में रह करके उस पार्टी का पटका पहन करके पार्टी के विरुद्ध कुछ बोलते हैं तो उसमें लज्जा का विषय हम सभी के लिए होता है। कर्म एक व्यक्ति करता है लेकिन उसकी उंगली चलते हुए आम नागरिक पे इसलिए उठती है कि आपकी पार्टी के आपके परिवार के सदस्य ये बोल रहे हैं। तो ऐसा विषय हम सभी के साथ में न हो। यदि कोई किसी तरह की मंशा मन में बुरी रखता है तो सबसे पहला मेरा सबसे निवेदन है कि जिसके प्रति आपके मन में मैल है उसको एक बार जा करके कहे कि मेरे को भाई आपसे ये दिक्कत है, आप मेरी समस्या का समाधान करें। वो आपकी बात नहीं सुनता, समस्या का समाधान नहीं करता तो पार्टी एक समुद्र है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मंच हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं, वहां जाकर के आप अपनी बात को रखिए। लेकिन घर में हुए झगड़े को आप पब्लिकली ना करें, बाहर लोगों को ये विषय ना दे, ये मौका ना दे कि वो आपके ऊपर तानाकशी करें। मीडिया मौका देता है कि कोई व्यक्ति कुछ बोले और उसको हाईलाइट जरूर करें। आप अच्छे 10 काम करके आ जाना, 10 की अच्छाई भले ही ना करें लेकिन यदि आपसे एक गलती हो जाएगी तो मीडिया इंतजार करेगा कि आपने जो गलती की हो उसको जरूर पहुंचाया जाए। तो ये चीजें ना हो। पार्टी का जिन्होंने सहयोग किया है यदि पार्टी उनकी पीठ थपथपाती है तो जो पार्टी के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके ऊपर भी पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि उन बातों को आप पार्टी संगठन तक पहुंचाए और पार्टी जो भी उसका निर्णय करे हम उस निर्णय के साथ में उसका स्वागत करेंगे। और इसीलिए ही शायद शीर्ष नेतृत्व बोला जाता है क्योंकि डिसीजन लेने का अधिकार, निर्णय करने का जो उनका अधिकार है हम सभी उसको माने और उसके साथ में चले। हम अपना विषय ऊपर भेज सकते हैं, उनके तरीके हैं उनको भेजें और पार्टी संगठन जो भी संज्ञान लेगा मैं उसका फैसले का स्वागत करूंगा। उसके साथ ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता, मौका हर दिन को मिलता, बार बार धड़े का मौका मिलता है। जैसे कि सुभाष सिंह जी ने कहा कि अगर घर परिवार में कोई व्यक्ति बार बार नहीं मानता तो क्या किया जाता है, तो क्या इलाज किया जाता है? ये कहते हैं इसको रोकना, भाई घर में मानने वाला किसी को पता नहीं मिलता क्या करे। हम लोग ना तो निकालने की बात करते हैं, हम जोड़ नहीं पाते, ना हम निकालना हमारे हाथ में, ना जोड़ना जोड़ सकते हैं, निकालना हमारे हाथ में। हम लोग तो आज सभी कार्यकर्ताओं की जो दिलों की इच्छा है, सभी कार्यकर्ताओं की जो दिलों की भावनाएं हैं, जो उनके अंदर का जख्म है, जो उनके अंदर का दर्द है, जो अंदर की भावनाएं हैं, उन सबको हम लोग जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, केंद्र के नेतृत्व भेजने का कार्य करेंगे, निकालेंगे, रखेंगे, वो उनकी जिम्मे। हम अपनी भावना रख सकते हैं लेकिन यह मानना मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि जो भावना हम रखेंगे, जैसी भावना हम रखेंगे, जिस प्रकार की भावना ऐसी हम रखेंगे, निश्चित रूप से केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व उससे कार्य करेगा। क्योंकि हम लोग पार्टी कौन है? पार्टी हम लोग, मैं पार्टी हूँ, आप पार्टी हो, प्रोजन जी पार्टी है, प्रवीण जी पार्टी है, भुगानी जी पार्टी है, सुनजीत जी पार्टी है, लोग की पार्टी है, आप सब लोग पार्टी हैं, हम सब लोग पार्टी हैं। कभी मैं वहाँ बैठता हूँ, कभी आप यहाँ बैठते हो, कभी मैं वहाँ बैठा हूँ, कभी आप यहाँ बैठोगे, कोई और कार्यकर्ता आएगा। कभी सोचा था जयप्रकाश नड्डा जी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, मोहम्मद धनखड़ जी का लगा था कि प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। ये पार्टी है, ये पार्टी किसी की व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, ये कोई गांधी परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं से जुड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की भी पार्टी है। तो आप लोगों ने विचार किया, आप जो हमारे सरपंच साहब हैं ये भी